आप जब सेट मारते होंगे, मॉक टेस्ट लगाते होंगे, तो मैक्सिमम क्वेश्चन इन्हीं सारे चैप्टरों से देखने को मिलता है। हेलो फ्रेंड्स, मैं नयन कुमार आप तमाम दोस्तों को एलपी नयन यूट्यूब चैनल पर स्वागत करता हूँ। आशा करता हूँ आप सभी लोग बहुत अच्छे होंगे और अपने पढ़ाई के प्रति निरंतर लगे होंगे। दोस्त, जैसे कि मैंने पिछले वीडियो में बताया था कि मॉक टेस्ट में 75+ नंबर कैसे लाएं, ये तीन सब्जेक्ट को कवर करके 75+ कैसे नंबर लाएं। वो तीन तीन सब्जेक्ट कौन कौन था पता है आप लोगों को? कि साइंस, मैथ और रीजनिंग। तो आज मैं उन तीनों सब्जेक्ट के खास करके एक सब्जेक्ट लेकर आया हूं, साइंस। बहुत ही महत्वपूर्ण सब्जेक्ट है मार्क्स को बढ़ाने के लिए। ये स्कोरिंग सब्जेक्ट होता है खास करके रेलवे एग्जाम्स में। तो आइए आज उसी विषय, उसी सब्जेक्ट साइंस के ऊपर मैं बात करूंगा कि साइंस के अंदर किन-किन चैप्टर को बहुत ही अच्छे तरीके से पढ़ेंगे। हालांकि चैप्टर्स बहुत सारे उसमें हैं साइंस में, लेकिन साइंस में भी कुछ सेलेक्टेड चैप्टर होते हैं जिससे क्वेश्चन पूछते हैं। एग्जामिनर वैसे क्वेश्चन पूछते हैं जो कुछ सेलेक्टेड चैप्टर हैं। कौन कौन से चैप्टर हैं तो सबसे पहले मैं बताना चाहूँगा, और आप लोग सभी जानते हैं कि साइंस में तीन पार्ट्स होते हैं, फिजिक्स, केमिस्ट्री और बायोलॉजी। तो मैं फिजिक्स की बात करूं तो फिजिक्स में कुछ खास खास चैप्टर हैं जिनसे बहुत सारे सवाल आते हैं। पहला तो यूनिट्स एंड मेजरमेंट है, उससे डायमेंशन वगैरह पूछ देता है। दूसरा दूसरा है आपका है कि वर्क पावर एनर्जी। वर्क पावर एनर्जी से बहुत सारे क्वेश्चन आते हैं। तीसरा मैं बात करूं तो ग्रेविटेशन से भी क्वेश्चन आता है। ग्रेविटेशन का डायरेक्ट क्वेश्चन पूछे जाते हैं, कैपिटल जी का मान, स्मॉल जी का मान, ये भी पूछ दिया जाते हैं, है ना। कि उस चैप्टर के संबंधित न्यूमेरिकल भी पूछे जाते हैं, उसको भी बढ़िया देखना है ना। उसके बाद मैं बात करूं तो पृष्ठ तनाव से भी आता है क्वेश्चन, डायरेक्टली क्वेश्चन पूछे जाते हैं पृष्ठ तनाव से, है ना। उसके बाद मैं बात करूं तो कुछ साउंड से भी क्वेश्चन आ जाते हैं, है ना, ध्वनि से, है ना। कुछ इलेक्ट्रिसिटी, विद्युत से भी आ जाते हैं क्वेश्चन, लाइट्स, प्रकाश से भी क्वेश्चन आते हैं। मतलब ये सब हाइलाइटेड क्वेश्चन, हाइलाइटेड चैप्टर है जिसे मोस्टली क्वेश्चन पूछा जाता है फिजिक्स में, है ना। तो इन सभी चैप्टर्स पर विशेष ध्यान देना है और कम समय में, है ना। चूंकि देखिए, अगर जो बच्चे अभी तैयारी करना शुरू किए हैं तो उन्हें बिल्कुल बेसिक से चलना होगा, उन्हें बिल्कुल चैप्टर वाइज बढ़िया से खत्म पूरे चैप्टर्स को पढ़ना पड़ेगा जो अभी शुरुआत ही कर रहे हैं, है ना। जो लोग बहुत जल्द ही एग्जाम देने वाले हैं, आने वाले ग्रुप डी और एनटीपीसी लास्ट फेज, उनके लिए ये सारी चीजें, कुछ सिलेक्टेड चैप्टर्स हैं, अगर उन पर खास ध्यान दिया जाए तो जरूर वो अच्छे नंबर ला सकते हैं। आगे मैं बात करूंगा किस तरह से पढ़ना। उसके बाद मैं बात करूं केमिस्ट्री के बारे में, तो केमिस्ट्री में सबसे पहले पीरियोडिक टेबल से बहुत सारे क्वेश्चन पूछे जाते हैं। ग्रुप डी में तो बहुत ज़्यादा क्वेश्चन पूछे गए थे पिछले बार, है ना। क्लासिफिकेशन ऑफ एलिमेंट, तत्वों का वर्गीकरण, बहुत सारे क्वेश्चन पूछते हैं, है ना। रासायनिक सूत्र हो गया, उसके व्यापारिक नाम हो गया, बहुत ज़्यादा क्वेश्चन डायरेक्टली क्वेश्चन आते हैं, है ना। उसके बाद मैं बात करूं तो एसिड बेस एंड साल्ट, है ना, उससे भी क्वेश्चन आते हैं। उसके बाद मैं बात करूं तो मेटल नॉन मेटल से भी बहुत सारे क्वेश्चन आते हैं, उसको भी पढ़ लेना है ना। दोस्त, ये केमिस्ट्री के कुछ ये खास टॉपिक्स थे, खास चैप्टर्स थे जिससे बहुत सारे क्वेश्चन पूछे गए हैं। आप जब सेट मारते होंगे, मॉक टेस्ट लगाते होंगे, तो
तो मैक्सिमम क्वेश्चन इन्हीं सारे चैप्टरों से देखने को मिलता है। हाँ, बहुत सारे क्वेश्चन हैं, ऐसा नहीं है, लेकिन मैक्सिमम क्वेश्चन इससे कम से कम इतने सारे अगर चैप्टर देखते हैं, है ना, तो बहुत ज़्यादा सवाल को हल कर सकते हैं। बायोलॉजी की जब बात करें तो एनिमल किंगडम, एनिमल के बारे में बढ़िया पढ़ लीजिए, है ना। हाँ, उसके बाद फिर कोशिका के बारे में भी बहुत सारे क्वेश्चन आते हैं, है ना। उसके बाद फिर मानव शरीर के तंत्र, इससे भी बहुत सारे क्वेश्चन आते हैं, मानव शरीर के तंत्र से भी बहुत सारे क्वेश्चन आते हैं, ध्यान देना है। उसके बाद फिर न्यूट्रिएंट्स, है ना, एंड कार्बोहाइड्रेट, जैसे विटामिन्स हो गया, है ना, विटामिन से क्वेश्चन डायरेक्ट आते हैं, है ना। आप जानते हैं कौन सा फल में कौन सा विटामिन पाया जाता है, कौन सा विटामिन कमी से कौन सा रोग होता है, ये भी क्वेश्चन आता है, बहुत इंपॉर्टेंट। ये विटामिन में क्या कमी से कौन सा रोग होता है, ये भी ध्यान देना है। मानव रोग के बारे में पढ़ लेना है, है ना, ब्लड के बारे में थोड़ा पढ़ लेना है, है ना, ब्लड के बारे में बहुत सारे क्वेश्चन आते हैं, ध्यान देना है ये सब। और कुछ कुछ साइंस टेक से भी क्वेश्चन आते हैं, है ना। तो दोस्त, ये जनरल साइंस के कुछ महत्वपूर्ण चैप्टर्स थे जिससे बहुत सारे सवाल देखने को मिला है। आप जब सेट मार रहे होंगे उसमें आपको बहुत सारे क्वेश्चन मिले होंगे इन्हीं सारे चैप्टरों से। तो मैं कहना चाहूँगा कि अभी जो एग्जाम्स आने वाले हैं, कम समय है आपके पास, तो क्यों ना इन सारे सेलेक्टेड चैप्टरों से पढ़ लिया जाए, ताकि हम अच्छे मार्क्स को ला सकें। मैं विश्वास दिलाना चाहता हूं कि आप इतने सारे अगर टॉपिक्स को पढ़ लिए ना, तो आपके साइंस में 25 में कम से कम तो 20-21 जरूर आएगा, 19-20-21 तो मात जरूर एकदम फिक्स है। बुक्स की बात करें दोस्त, तो ज़्यादा बुक्स के फेरा मत रहें, लुसेंट इनफ है। लुसेंट को चैप्टर वाइज बढ़िया से देख लें, साइंस का बिल्कुल थ्रोली एक बार पढ़ लें। और क्या करें कि स्पीडी का सामान्य विज्ञान आता है, सामान्य विज्ञान की बात कर रहे हैं, स्पीडी का जो सामान्य विज्ञान है प्रीवियस ईयर क्वेश्चन का है रेलवे का, वो सारा पढ़ जाएं, सेट बाय सेट है, पढ़ जाएं। और जो भी अभी प्रीवियस में पढ़ा है आरआरबी एएलपी का, ग्रुप डी का, वो सारे क्वेश्चंस को कलेक्शन का जो होगा उसको एक बार वन लाइनर को पढ़ जाएं। पढ़ने के बाद उसके ऑब्जेक्टिव्स को लगाइए, ऑब्जेक्टिव्स को लगाने के बाद आपको दिमाग पर जब प्रेशर पड़ेगा तो आपको ऑटोमेटिकली क्या होता है ना, बैठ जाता है दिमाग में। उसके बाद एक बार दो बार फिर पढ़ लीजिए, डैट्स ऑल, आपके साइंस का सारे क्वेश्चंस बहुत अच्छे से एडजस्ट हो जाएंगे। और उससे ज़्यादा क्वेश्चन नहीं आता है दोस्त, मैक्सिमम प्रीवियस क्वेश्चंस आते हैं, बस जो टॉपिक्स बताया गया, चैप्टर्स बताया गया, उन चैप्टर्स पर एक बार फोकस कर लीजिए, एक बार थ्रोली जाइए, ऑब्जेक्टिव जाइए, एक बार मेमोराइजिंग कीजिए, डेफिनेटली आपके नंबर बढ़ेंगे। तो मैं आशा करता हूँ मेरे दोस्त आप लोग अच्छे से पढ़ रहे होंगे, मेहनत कर रहे होंगे, ईमानदारी से पढ़ रहे होंगे और जरूर सक्सेस पाइएगा। डेफिनेटली मन में आत्मविश्वास रखिए, यूं ही लगे रहिए पढ़ाई के प्रति, निश्चित आप सफलता पाएंगे। इसलिए आज के लिए इतना ही, मिलते हैं अगले वीडियो में अगले खास टॉपिक लेकर। धन्यवाद।